स्टॉक पर है रिसर्च? अनिल जी, स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज का। आप देखिए, यहाँ पर जिस तरह से हम कमोडिटी प्राइसेस में इतनी स्पाइक देखते हुए नजर आ रहे हैं, तो एल्यूमिनियम की जो प्राइसेस है वहां पर भी तेज उछाल हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट यहाँ पर स्पेसिफिकली रेन इंडस्ट्रीज को इसलिए भी फायदा होगा क्योंकि एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स बनाने के लिए जो अनोड्स का इस्तेमाल होता है वो रेन इंडस्ट्रीज बनाती है। और यहाँ पर जो की इंग्रीडियंट्स है, एक तो CTP और दूसरा है CPC, जो कैल्साइन पेट्रोलियम कोक जो है वो कंपनी बनाती हुई नजर आती है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी उत्पादक है ये। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इनका कार्बन कारोबार है जिसमें CPC और CTP प्रोडक्शन होता है वो कंपनी में कुल आय में करीब 70% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। और साथ ही 8 सितंबर को तो इन्होंने अपडेट भी दिया था कि जो 3 US फैसिलिटीज है वहां पर CPC उत्पादन दोबारा शुरू होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट अल्ट्राटेक के नंबर्स भी आए थे और वहां पर भी उनका जिस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा सा इंपैक्ट आता हुआ नजर आया है, वो उन्होंने कोल और साथ ही जो पेट कोक की कीमतें हैं वहां पर जो कॉस्ट सर्ज हुआ है उसकी वजह से है। तो डेफिनेटली इनके लिए जो कैल्साइन पेट कोक बनाते हैं उनके लिए भी ये पॉजिटिव न्यूज है। और प्राइसेस अगर आप देखें तो 1 सितंबर में चाइना CPC जो था वो $479 पर टन था, उसमें ऑलमोस्ट 35% का उछाल हमें अब तक ऑलरेडी देखने को मिल चुका है और अब $640 पर टन के आसपास CPC ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एल्यूमिनियम की कीमतें जिस तरह से बढ़ी है वहां पर भी आप फोकस कीजिए, जो आपको बार चार्ट दिखेगा जनवरी में $2004 प्रति टन की ये कीमत थी और अब अक्टूबर में ये $3150 पर टन पर एल्यूमिनियम की कीमत आ गई है। तो एल्यूमिनियम की कीमत जब जब बढ़ती है आपको CPC की जो कि एक की इंग्रेडिएंट है एल्यूमिनियम बनाने में वहां पर भी आपको क्लियर कट ये प्राइस इंक्रीज होते हुए दिखे। ओके, तो ये है इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आए कुशल। बिल्कुल अनिल जी, और कुशल ने जो रिसर्च किया है और उन्होंने अपना फाइनल आंसर लास्ट में कहा कि रिजल्ट्स दमदार आएंगे, और बिल्कुल रिजल्ट्स बहुत दमदार आ सकते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री अभी भी बहुत फुल स्विंग में है। अल्कोआ US का जो बिजनेस है, कंपनी है, वो भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, हिंडाल्को नालको। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि रेन इंडस्ट्री, हालांकि हमारा कोई टारगेट या रिपोर्ट नहीं है, बट रेन इंडस्ट्रीज बहुत यूनिक बिजनेसेस में है तो अच्छा परफॉर्म कर सकते। तो ये है आपके लिए रेन इंडस्ट्रीज। सिमी जी, जरा इसके चार्ट्स भी देखिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। उससे पहले 240 रुपए के आसपास हमने दिया था स्टॉक ऑफ द डे, उस समय तो बड़ा भी था काफी, और 300 रुपए के फाइनल टारगेट भी दिए थे, 265-70 तक पहुंचा था, वापस से करेक्ट होकर इस लेवल के आसपास। अच्छी फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है रेन इंडस्ट्रीज। सिमी जी बताइए चार्ट्स जरा। जी, चार्ट्स तो काफी शानदार है अनिल जी, और मुझे लगता है कि 270 का जो हाई बना था वो हाई बहुत ही जल्दी क्रॉस हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 270 के बाद, इसका जो नेक्स्ट पड़ा होगा वो 300 से 320 का है, यही मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है। तो करंट लेवल से काफी अच्छा एप्रिसिएशन अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 235 के नीचे स्टॉप लगा के मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। 300 से 320 का टारगेट हो सकता है नेक्स्ट 2 से 3 महीने में आना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए 300 तक के टारगेट आने की तैयारी में, महीने 2 महीने का अगर आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है, और स्पेशली जब तक रिजल्ट्स ना आए तब तक तो इसे होल्ड करने की राय हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से, टेक्निकली भी फंडामेंटली भी।